आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव भारतल सिरसी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 32 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 8 किलोमीटर दूर है। 4200 वोट और 12000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान उषा देवी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान उषा देवी और सचिव रमेश कुमार के सहयोग से गांव में अच्छा विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को कितना सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक संभल के भारतल सिरसी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहाँ लोगों को लॉकडाउन के चलते सहयोग दिया गया है और क्या कोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, इस सब की जानकारी हम यहाँ ग्राम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान पति से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी, जैसे कि आपका कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है, तो इतना जो वक्त बीत गया है आपके कार्यकाल का, इस बीते वक्त में क्या क्या विकास कार्य आपने अपने ग्राम पंचायत में करवाए हैं? जी, प्रधान ने काम ही नहीं कराया था पहले। मैं कम से कम 85 मोहल्लों में सड़कें का काम करवाया, नाले बनवाए हमने 8 या 10, खड़ंजे भी करवाए हमने, 700 करीब शौचालय बनवाए हमने, आवास अपने सामने बनवा दिए हैं, 112 आगे मंजूर करा दिए आने वाले भविष्य में। हमने ठंडे जल के गरीब जनता हमारे गांव में, तो हमने हर मोहल्ले में एक एक ठंडे प्याऊ लगवाया जिससे ठंडा पानी पीने। शहर के बसिंदे जो विधायक लोग आते हैं वहीं पीते हैं। हमने सोची हम विधायक तो नहीं प्रधान है, पर हम इस पैसे को यहाँ लगावे जिससे हमारी ग्राम जनता को, गरीब जनता को शहर जैसे ठंडा पानी उपलब्ध हो, जनता की सुविधा के लिए आपने जो है ये अपने स्तर पर सोचा ये कार्य। हाँ, ये सुविधा आपने, हम सड़कें तो सभी बनवा दें, आने वाला प्रधान ही बनवा देगा सड़कें, पर ये ऐसे काम नहीं। हमने लाइटें भी लगवाई, सौर ऊर्जा भी लगवाई, और जी सांसद जी से भी, वीर सिंह जी से भी, और दूसरे सांसद, एक और सांसद हैं वहाँ के सीतापुर से, उनसे 10 लाइट आ रही है, बड़ी वाली 4 लाइटें लाए। अपने माइंड से हम कोई भी प्रयास नहीं छोड़ रहे जी। मतलब आपके गांव को पूरी तरह से डेवलप करने की पूरी पूरी हर कोशिश आपने जो है की है, और आगे भी आपकी आगे 15 मांगे हमने सरकार से मांग रखी है। बिजली का कोई रह गया हो, गरीबों को सिलेंडर मिले हैं केंद्र सरकार से, जमीन के पैसे मिल रहे हैं, और जी आवास मिला है 1000 रुपए अभी वो भी सरकार दे रही है, और मुफ्त में अनाज दे रही है हमारे यहाँ कम से कम 4-3 साल 1100 कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज मिल जाएगा। राशन वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं, माने जिनके राशन कार्ड है उनको तो राशन मिल रहा है, लेकिन जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके सामने कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आती है? मेरे यहाँ राशन कार्ड सब पे ही है, सब पे ही 90% पब्लिक पर राशन कार्ड है। जैसे लॉकडाउन यहाँ पर रहा इतने दिनों का, तो उसमें क्या कोई परिवार ऐसा था जिसके सामने खाने पीने को लेकर के कोई संकट? सरकार ने सबसे ही करा है पूरा, और जो रह गए थे 50-40 लोग, तो उसने मैंने अपना गल्ला भी दिया, पैसा भी दिया, घूम घूम का मोहल्ले वालों को, जैसे भी जिसमें परेशानी थी मैंने कोई भी परेशानी नहीं आन दी किसी तरीके की भी। आपने सभी का ध्यान पूरी तरह से सब सब का ही। तो यहाँ स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम हुए हैं? कौन से प्राइमरी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में बाउंड्री कराई है, समर सेविल कराए मैंने, रसोईयां बनाई हैं उसमें, क्योंकि आप तक बाउंड्री नहीं थी, व्यवस्था फेल हो जाती थी, और कुत्ते बच्चे सब पढ़ते थे, मैंने 8-8 दोनों में तीनों स्कूलों में मैंने बाउंड्री करा दी, और शौचालय बिल्कुल फिट करा दिए हैं, ठंडे पानी के उसमें लगा रखे हैं, बच्चों के लिए भी समर सेविल करा के बोलना पूरा वो कर रखा, और ईटें सीसी ईटें बिछा रखी हैं। साफ सफाई की व्यवस्था गाँव में कैसी है? गाँव में दोस्त सफाई कर्मी मेरे यहाँ, फिर भी बड़ा गाँव है, थोड़ा वो बताओ ऐसा है कुछ लोग गोबर भा देते हैं जी, अगर गोबर नहीं भावा तो बिल्कुल साफ रहे, फिर भी प्रयास ये रहता है अलग से आदमी लगाए के
महीने महीने दूसरे महीने में अश्लील सफाई मैं करवाता रहता हूँ वक्त पर आता है। तो यहाँ अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से? मैंने अस्पताल मांग सड़कें मांगी डामर की, बतावली तक डामर, खबरूपुर तक डामर, बड़ा ताजुद्दीन तक डामर, अपने गांव से सिंहपुर तक डामर, ये सभी डामर मैंने राज्य सरकार से मतलब आपके गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का जो रास्ता है उसके लिए आपने मांग रखी है? हाँ, मांग रखी है, पक्का करवाया है। हाँ, ये चार रास्ते हैं जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है, ये मैंने शासन से मांग रखी है। इसके अलावा यहाँ पर शमशान घाट कब्रिस्तान वगैरह हैं? हाँ, कब्रिस्तान ही मैंने मांगा है, पंचायत घर भी मैंने मांग रखा सरकार से। यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनी हुई नहीं है? नहीं, कोई नहीं, बारात घर भी नहीं है, हमने पंचायत घर है। प्रधान जी, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कुछ कि जो है केंद्र सरकार द्वारा आपको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, तो थोड़ा इसको हमें एक्सप्लेन करिए किस सिलसिले में जो है ये? मैं ठंडे पास मैंने जो प्याव लोग आए थे नहीं, ये इसमें मैं बाजी मार चुका और प्रधानों से भरा तो 25 और में था, पर कोई भी सब फेल हो गए। हाँ, बस ये कुछ काम का समझ लो या कुछ समझ लो, जनता की सेवा में जो है आपने ये एक अलग से सराहनीय कदम जो उठाया है, गांव को ठंडा पानी जो है मिले ताकि लोग परेशान न हो गर्मी में। शहर में तो शहर में विधायक लोग आए थे, अब गांव में कौन लगवा है, गांव में सड़क बनाए थे। अच्छी सोच है कि आपने गांव के लिए भी ऐसा सोचा जैसा लोग शहर के लिए सोचते हैं, तो सुविधाएं गाँव में भी शहर जैसी मिले तो लोगों को भी उम्मीद रहती है। मेरे यहाँ अस्पताल और बन जा, पंचायत घर बन जा और जी शमशान घाट बन जा, बरात घर बन जा, तो करीब करीब शहरी सुविधा हो जाएंगी गांव में। यदि 8-7 ये सुविधा और मिल जाए तो गांव का। तो प्रधान जी, अब जैसे कि कोरोना महामारी इस समय बहुत फैली हुई है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अनलॉक हमारे देश में लग चुका है, कई जगह देखा जा रहा है कि इसको लेकर के लापरवाहियाँ बढ़ रहे हैं, लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है या कुछ बाजार मिले इस तरह का कहीं? मैं तो सुबह शाम गाँव में, आपके अपने गाँव वाले भी, मैं तो सुबह शाम जाता हूँ मोहल्लों में, उन्हें समझाता हूँ 4 फीट 2 गज की दूरी बना कर रखो, अपने घर में भी बच्चों से कह कर रखो किसी घर न जाएं, किसी को बुलाना ना, तरह तरह का मैं ढोली पिटवाता हूँ इस बारे में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है पुलिस भी बुलानी पड़ती है मुझे, जिससे भीड़ नियंत्रण करने के लिए। इससे मैं फिट काम कर रहा हूँ इसमें कोविड में। हाँ, शासन का जैसे शासन गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे गांव में महामारी ना फैले। अभी तक मेरे गांव में, क्योंकि गांव की जनसंख्या बहुत बड़ी है, अभी तक यहां पर कोई भी कोई नहीं, अभी कोई केस नहीं मिला। भगवान से भी दुआ मांगता हूं कि आगे भी कोई केस ना मिले ऐसा। अब तो जल्दी जल्दी यही है कि ये 14 मांगे जो मेरी हैं ये आ जा। मैं जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इस बीते कार्यकाल में यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवास भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं, और एक बहुत ही सराहनीय कदम जो कि शहर वाली सुविधा गांव वालों को देने के बारे में यहाँ ग्राम प्रधान ने सोचा है। ठंडे प्याऊ यहाँ जगह जगह लगाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए, ये वाकई में एक अपने आप में काबिल तारीफ काम है। इसके साथ ही यहाँ पर स्कूलों में कायाकल्प के अंतर्गत भी काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन जो अभी तक यहाँ निर्मित ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सैकड़ों परिवार अभी ऐसे भी हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। साथ ही ग्राम प्रधान ने प्रमुख रूप से यहाँ कुछ मांगे रखी है, जैसे बिजली घर, अस्पताल और 10 किलोमीटर की एक सड़क, जो 4 रास्ते हैं मिलकर 10 किलोमीटर बनते हैं, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं। ये कुछ प्रमुख मांगे प्रधान द्वारा यहां रखी गई हैं। अशरफ अली के साथ मनाज़रीन, सूर्य।